मन मर्जियों पे अब हम चले। चलो आप लोगों का स्टॉप आ गया है, कल सुबह 9 बजे ड्राइवर पिकअप करने आ जाएगा। गुड नाइट। सैम सच्ची वाला ठीक है ना? ठीक हो जाऊंगी मैं। प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। खाना खा लेना ठीक है? आई एम सॉरी सैम, मेरी वजह से तुम और अर्जुन सर, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकती। कभी बोलना भी मत। मेरे और अर्जुन के बीच जो हुआ उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो राधिका। मैंने वही फैसला लिया जो मुझे लेना चाहिए था। लेकिन अर्जुन सर के बारे में मैं कुछ नहीं सुनना। सैम, राधिका कह दो कि मुझे किसी से नहीं मिलना है। हट जाओ राधिका। आप हट जाइए सौ। मैं अपना रास्ता नहीं बदलता। आपका रास्ता तो बदल चुका है सौ। जितनी जल्दी समझ जाएंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। मेरे अच्छे और बुरे की फिक्र करने की जरूरत तुम्हें नहीं है। फिक्र करना तो इंसान की फितरत होती है सब, ना चाहते हुए भी हो जाती है। अब आपने थोड़ी सी भी फिक्र की होती तो यहां मेरे साथ सीढ़ी पे बात करने के बजाय सैम के साथ बैठे होते। जब तक मैं यहां हूं आप शाम तक नहीं पहुंच सकते। तुम्हें यहां से हटाना कोई मुश्किल काम नहीं राधिका। हर रोज लोग गलती से गिरते हैं। आप मुझे धमका रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि धमकाने से पहले लोगों की पहचान कर लेनी चाहिए।
आपको क्या लगता है, आपके डराने से मैं डर जाऊंगी? नहीं सर, मेरे दिल में उससे भी बड़ा डर है, सैम के आंसुओं का डर। अगर आपसे डर गई तो उस डर को कैसे हरा पाऊंगी? तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे हरा पाओगी? नहीं सर, आप अपने आप को हरा देंगे जब ये समझेंगे कि किसी के आंसुओं में खुशियां नहीं ढूंढते। मैं नहीं जानती कि आप सैम के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो भी कारण हो। हाँ, लेकिन ये जरूर जानती हूं कि उसकी कीमत सैम के आंसू नहीं चुका सकते। अब आपकी धमकियां खत्म हो गई हो तो मैं जाऊं, सैम आपसे मिलना नहीं चाहती। अब आपने थोड़ी सी भी फिक्र की होती तो यहां मेरे साथ सीढ़ी पे बात करने के बजाय सैम के साथ बैठे होते। मेरे दिल में उससे भी बड़ा डर है, सैम के आंसुओं का डर। अगर आपसे डर गई तो उस डर को कैसे हरा पाऊंगी? तुम मुझे हरा पाओगे? आप अपने आप को हरा देंगे जब ये समझेंगे कि किसी के आंसुओं में खुशियां नहीं ढूंढते। मैं नहीं जानती कि आप सैम के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसकी कीमत सैम के आंसू नहीं चुका सकते। आप अपने आप को हरा देंगे, सैम के आंसू नहीं चुका सकते, किसी के आंसुओं में खुशियां नहीं ढूंढते। आप अपने आप को हरा देंगे। हाँ ओके, रेकी से आके मिलती हूँ। ओके पा, क्या या आई लव यू, बाय। ठीक है, बहुत लेट नहीं हो गया बाहर जाने के लिए? भागने के लिए कभी लेट नहीं होता है। मुझे भी शौक था भागने का, पता है जब मैं स्कूल में थी ना तो 50 मीटर की रेस में चौथे नंबर पे आई थी। ये वाला भागना ना अकेले किया जाता है। लोकेशन देखने जा रही हूँ। कुछ शुरू करने से पहले मेरा मुंह मीठा नहीं करवाओगी? हाँ, लेकिन रिलैक्स राधिका, रिलैक्स। अर्जुन के बाद ना दिमाग में थोड़ा स्पेस चाहिए और कुछ नहीं। डोंट वरी, मैं ऐसी बहुत सी ट्रिप्स पे गई हूँ, रिलैक्स। लेकिन नील को तो साथ लेके जाओ। No.
कुछ सफर ना अकेले तय करनी चाहिए। और वैसे भी हर बार काम छोड़ के वो मेरे पीछे नहीं आ सकता ना। पूरी चॉकलेट खुद ही खाओगी क्या? चलती सफर की शुरुआत तक तो साथ दे सकती हो। क्या कर रहा है? इसीलिए ना तुझे गैस होती है। गलत टाइम पे गलत चीजें जो खाता रहता है। माँ मुझे गैस होती नहीं है। अच्छा? नहीं होती है ना तो हो जाए। ये जो तूने सैम की बात दिल में छुपा के रखी है ना बेटा, गैस तो होनी होनी है। कौन सी बात माँ? वही तेरी ट्रेन वाली बात। और कौन सी बात? अरे भाई, जब तेरी ट्रेन छूटी ही नहीं, जब सैम ने अर्जुन को हाँ बोला ही नहीं है, तो तू किस बात का वेट कर रहा है? हाँ, सैम मुझसे प्यार नहीं करती यार। अच्छा, तो फिर उसने उस अर्जुन को ना क्यों कह दिया? अर्जुन को ना कहने में मेरा कोई रोल नहीं था। माँ, सैम की आंखों में मेरे लिए प्यार नहीं है, सिर्फ दोस्ती है। वो ट्रेन कभी मेरे स्टेशन पे नहीं रुकने वाली है, उसके पीछे भाग के कोई मतलब नहीं है। माँ, ठीक है, तो तू आज मुझसे प्रॉमिस कर कि जिस दिन तुझे वो प्यार दिखेगा ना, उस दिन तू उस ट्रेन के पीछे भागेगा। फिर चाहे वो ट्रेन तुझे कितना ही थकाए, कितना ही दौड़ाए, तू हिम्मत नहीं हारेगा। तेरी मेरी दोस्ती यारियां मन मर्जियां। बस स्टेशन पहुंचो। राधिका, सीरियसली मैं बहुत बार अकेली जा चुकी हूँ, तो एक बार मेरे साथ जाने में तुम्हें कोई मुसीबत नहीं होनी चाहिए। तुम्हें आदत होगी इतनी रात अकेले जाने की, मुझे नहीं है। तुम्हें मेरी जरूरत भले ही ना हो, मुझे तो तुम्हारी जरूरत है ना। पता नहीं ये नील निकला कि नहीं, अभी तक मैसेज का रिप्लाई भी नहीं आया है। सैम के पास जा रहा है। मेरी एक बात मानेगा? बच्चा देख, सैम का ना दिल टूटा है, और थोड़ी देर अकेले रहना कोई बुरी बात नहीं होती, उसके लिए भी नहीं और तेरे लिए भी नहीं। जब तक एक दोस्त सामने रहेगा, सैम को प्यार नहीं दिखेगा।
जाने दे उसे, उसे भी सोचने का एक मौका दे। एक्सक्यूज मी, ये लोनावला जाने वाली बस किधर मिलेगी? उनके पीछे। अच्छा, सैम, तुम ठीक तो हो ना? नहीं। तो फिर मत जाओ ना। रिलैक्स राधिका। नहीं, रिलैक्स, मैं सिर्फ लोकेशन हंट के लिए जा रही हूँ, और वैसे भी मुझे सोचने के लिए अकेले कुछ टाइम चाहिए। लोगों के साथ सोचोगी तो और भी मजा आएगा। मैं फिर से एक बार कह रही हूँ, सोच लो ना, मत जाओ। मैंने सोच लिया है, तुम वरी ओके? मर्जियों पे अब हम चले।